मुझे नहीं पता मैं कितने टाइम बाद एक ब्लॉग फिर से बना रहा हूँ। बट वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज 6 जून थर्सडे का दिन एंड मैं जा रहा हूँ एक अनएक्सपेक्टेड ट्रिप, जो कि मैं जा रहा हूँ ऋषिकेश उत्तराखंड अपने सिर्फ वही 2 दोस्तों के साथ जिनके साथ मैं पहले भी जा चुका हूँ। अगर तुमने मेरे पुराने ब्लॉग्स देखे हैं तो हमने अपनी 11 बजे की बस की टिकट भी करवा रखी है, तो अभी हमें जाना होगा वरना लोकेशन रिवील हो जाएगी। अभी हम प्रिंस के घर रुके हैं क्योंकि हमें वेट करना है, 11 बजे जाना है अभी बस के लिए, तो इतनी जल्दी जाके क्या फ़ायदा। इसलिए देखो प्रिंस के लिए हम वेट कर रहे हैं। कोई भी ब्लर हो जाएगा और अगर नहीं हुआ तो समझ लियो मैंने एडिटिंग में अलकस दिखाया। मिलते हैं फिर तुम लोगों से बस में। हाँ वैसे मैं तुम्हें दिखा दूँ, यहाँ पे 2 की सीट है, यहाँ पे मैं बैठा हूँ, यहाँ पे हिमांशु, ये हमारा प्रिंस। सफर होने वाला है 4 दिन और स्टोरेज है मेरे पास लिमिटेड, तो मैं वही क्लिप्स लेने वाला हूँ जो मुझे लगता है कि मुझे शूट करनी चाहिए। मीनवाइल अरे नीचे आ जा, सीट पे बैठने का दिया था ना, थोड़ा सा करने का दिया, नीचे अरे नीचे आ तू नीचे। भाई कोई बीड़ी पी रहा था यहाँ पे, सुट्टाबाजी दारूबाजी चलेगी भैंस की आंख। अरे नीचे उतर जा, फालतू आर्गुमेंट नहीं, नीचे उतर जा, सामान कहाँ तेरा। इस इंसिडेंट से इतना तो पता चला कि ऊपर वाली सीट 1200 की है और हम 600 वाली में बैठे। So, नींद में दिख रहे होंगे, पैसे ले रखे हैं सबने 6,000। यहाँ से अभी जा सकते हैं या पैसे हैं 6,000 तीनों पे, या तो हम जा सकते हैं होटल बुक कर सकते हैं या यहीं से ही घर जाके रशिया। भाई देखो पूरी बस में इन्होंने मेरे को संतरे की टोपी इतनी ज्यादा खिला दी, अब मेरे पेट में दर्द हो रहा है, हम मुझे वॉशरूम जाना है और पता नहीं हम कहाँ जाए जा रहे हैं। यहाँ देखना यार जरा, यहाँ किधर से लग रहा है हम होटल में जा रहे हैं। भाई ये देखो ये है हमारा रूम, सही में बहुत सही मिल गए क्योंकि बाहर भाई बहुत ही महंगे थे, कोई 13,000 का था, कोई 2,000 से नीचे कम नहीं थे। इसकी बहुत नीड थी, ये मैंने एंड टाइम में मंगाया था घर से। एंड देखो भाई रूम काफ़ी सही है, यहाँ पे हमारे बैग वैग है, इन्हें इग्नोर करना। इसके अंदर ये है अलमारी, यहाँ पे हम अपना बैग वैग रख सकते हैं सेफली। ये कंबल आई डोंट नो इसे हम ओढ़ेंगे या नहीं ओढ़ेंगे, मे भी यहाँ पे ठंड लगे क्योंकि हम तो दिल्ली वाले हैं, हमें इतने टेम्परेचर की आदत थोड़ी ना होगी। और ये सिंक, दूसरी सिंक, यहाँ पे हमने हाथ धो लिए, बल्कि ये बर्तन धोने वाली थी बट वही ना, इसे इमरजेंसी आ गई प्रिंस को, अभी मैं इमरजेंसी ख़त्म करके आया हूँ। और ये है हमारी बालकनी, या व्यू देख रहे हो, या ऐसा दिखता है कुछ हमारा रूम। अभी बज रहे हैं 8:41 एंड मैं तो नहा धो के रेडी हो चुका हूँ भाई, अभी तो हम अपने रूम पर ही हैं, अभी हम बाहर नहीं जा रहे, अभी कुछ खाने पीने के लिए लाने वाले हैं। बट हिमांशु सो गए हैं एंड ये रीले देख रहा है, देख रहे हो, यहाँ पे आके भी रीले देख रहे हैं और सो रहे हैं। इस बात पर एक शेर सुनो, जिंदगी चाहते हो तो हमसे बच कर रहना, जहाँ नींबू नहीं जाता वहाँ नारियल घुसा दे। फाइनली भाई हम अपने होटल से बाहर तो निकले, वो रूम कुछ ज़्यादा ही अंदर है गलियों में, अभी मेन रोड पे जाने के लिए भी हमें 800 मीटर चलना पड़ेगा, तो या हमें याद रखना पड़ेगा कि हमारा होटल कहाँ है वरना खो जाएंगे हम। ये देखो फाइनली हम अपने दिन की पहली मील खाने जा रहे हैं, मर चुके हैं भाई बिल्कुल। A little longer than a few minutes later. तो हमने भाई 2 स्कूटी ली थी, एक तो एकदम मक्खन है ठीक है, मेरी वाली, मेरे में बस ब्रेक ढीले थे, हिमांशु की बीटी हो गई भाई क्योंकि इनका पता नहीं क्या क्या ढीला था, इसमें एडिशनल चार्जेस लग रहे हैं। तो हमने अभी स्कूटी वाले से बात करा और या वो कह रहा है कि जो चार्जेस लगेंगे वो मैं दे दूंगा। सो हम आए अपने वापस होटल पे, हमें चाहिए अपने बैग्स क्योंकि हम जाने वाले हैं नीर वाटरफॉल। फाइनली भाई आई गए,
है ना, बहुत जाम था, इंसानों ने हस्तक्षेप मार रखे इस जगह की। फाइनली दिखा देता हूँ मैं तुम्हें, कुछ भी नहीं है अभी यहाँ पे, बट यार तुम्हें बहुत दिख ही रहा होगा वो झरना था वहाँ पे ही। ऊपर जाने वाले हैं एंड नहाने वाले हैं, मज़ा आएगा भाई। बहुत गर्मी है तो मैं दिख नहीं रहा होगा, लेकिन अंदर बहुत ही बहुत पसीने आ रहे हैं, खुजली भी लग रही है। मुझे वर्ल्ड्स ऑफ वंडर वाला ब्लॉग याद आ गया, इनफैक्ट मैंने वो प्राइवेट कर रखा है, बट स्टिल मज़े भाई। हम जा रहे हैं और भी ऊपर, कुछ यहाँ पर तो हम नहा लिए और बोर भी हो गए, मज़ा तो आया। बढ़िया, हमें ऊंचाइयों पे जाना है, नीचे नहीं रहना है हमेशा। भाई इतनी नीचे से आए हैं हम, दिख रहा है तुम्हें? नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मैं तब व्लॉग नहीं कर रहा था, तब स्ट्रगल कर रहा था। और अब देखो भाई यहाँ पे कितनी भीड़ है। वी आर डन, यहाँ पे नहाना पीना हो चुका है, यहाँ पे नहाना हो चुका है हमारा। अब हम वापस जाने वाले हैं होटल की तरफ, या फिर बीच में कोई जगह मिल जाएगी तो वहाँ जाएंगे। अभी यहाँ पे हमने इंस्टा स्टोरीज वगैरह लगाई हैं, स्क्रीन पे कहीं दिख रही होंगी तुम्हें। एंड अब प्लान है लक्ष्मण झूला जाने की। सो या अब एक और जगह घूम लूँ, ताकि ना मन ऐसा ना हो कि यार आज सिर्फ एक ही जगह घूमे, और वो भी वर्थ इट नहीं हुआ। नहीं वर्थ इट तो पूरा था पहन। Another location, another beautiful view. बट इस बार हम आए हैं आरती देखने, दिख रहे हैं वो, हम वहीं जाने वाले हैं थोड़ी देर में। दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई, जैसे ऐसा उतारता है कोई। दिल में कुछ यूं संभालता हूं हम, जैसे जेवर संभालता है कोई। आरती तो बहुत अच्छी गई, ठीक है, मैंने अपनी मनोकामना भी भगवान के सामने रखी, अब बस पूरी होनी रह रही है। तुम्हें तो पता ही है क्या मनोकामना होंगी। एनीवेज अब हम जा रहे हैं होटल, एंड आज का हमारा दिन बहुत ही अच्छा जा रहा है, बस एक बार होटल पहुंच दे दो और कुछ खाने पीने भी दो। 2 hours later we are finally in our room and अभी 9 भी नहीं बजे, एंड हम अभी से सोच रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए यार। वो दोनों नीचे गए हैं कुछ लेने, अभी मैं उनका वेट कर रहा हूँ, एंड शायद हम बाहर जाएं या ना जाएं, कुछ खाएं या ना खाएं, ये हमें भी नहीं पता। बट एनीवेज आज का दिन तो बहुत ही अच्छा गया, ऐसे ही अगला दिन भी अच्छा जाना चाहिए। एंड मैं मिलता हूँ तुम लोगों से डे 2 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द व्लॉग ऑफ डे 1। गुड बाय।